हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं लाई हूँ ना, मतलब मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम जितना भिंडी पानी में भिगो के रखा है। इसे मैं 10 मिनट भिगो के रखती हूँ। दोस्तों, ये आ गई मैं घर के नीचे, और गेट खोलते ही गेट के दाहिने तरफ एक छोटा सा एरिया है, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और इसी में जो है करी पत्ता है। ये जो पेठे का पेठा या कद्दू का जो पेड़ है उसने पूरा एरिया को ढक दिया है, और इसके अंदर ही करी पत्ता छुपा हुआ है। मुझे उसे ढूंढ के निकालना होगा। ये देखिए, मैंने एक पत्ते को, एक डंडी को तोड़ लिया। ये दो पत्ते मैंने तोड़ लिया है। चलिए अभी ऊपर चलते हैं। ये लेके मैं आ गई। ये करी पत्ते को पानी में डुबो दिया, ये भी थोड़ा साफ़ हो जाए। तब तक चलिए इसका प्रिपरेशन कर लेते हैं। कढ़ाई मैंने बिठा दिया है गैस पे, और ये मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून जितना नारियल, सूखी हुई नारियल है ये। डाल रही हूँ 1 टीस्पून साबुत धनिया, और ये देखिए ये जो नारियल है ये जलने लगा है, तो तुरंत ही इसे चला लेंगे। गैस के कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो गई थी ज़्यादा, इसके लिए ये जलने लगा था। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ जीरा, साबुत जीरा 1 टीस्पून। ये सब डाल के इसे, इस सूखे मसाले को थोड़ी देर फटाफट भून लेंगे। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 3 लाल मिर्च। चलिए ये तो भूनना हो गया, इसे तुरंत उठा लेती हूँ और दूसरे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। भिंडी को ऐसे अच्छे से धो लिया मैंने पहले भिंडी को, और उसके बाद ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। लीजिए, ये सारा भिंडी काट के हो गया है। अभी चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मसाले ठंडे हो गए हैं, इसे मिक्सी के जार में ऐसे डाल दिया, और इसके साथ मैं डाल रही हूँ ये 4-5 लहसुन की कलियाँ है, इसे डाल दिया, और ये थोड़ा सा पानी पानी डाल के इसे अच्छे से स्मूथ एक पेस्ट बना लेंगे। ये लीजिए, पेस्ट हो गया है, आप देख सकते हो, ये देखिए। चलिए, कढ़ाई में डाल दिया मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के जितना तेल, 1 टीस्पून सरसों डाल दिया मैंने, ये करी पत्ता, और फिर इसमें डाल दिया एक बड़े साइज़ के प्याज को चॉप करके। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो उस पे ये कटी हुई भिंडी डाल देंगे। प्याज के साथ भिंडी को एक साथ फ्राई कर लेना है, इससे क्या होगा भिंडी भी फ्राई हो जाएगी और प्याज भी बाकी फ्राई हो जाएगी। गैस के फ्लेम को मीडियम में रखिए, इसे भिंडी और प्याज को फ्राई कर लेंगे। अभी लीजिए, भिंडी और ये जो प्याज है ये फ्राई हो गया है। इस पे अभी थोड़ा मसाला डलेगा, तो मसाले में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, और ये लाल मिर्च पाउडर है, और ये डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून। ये मसाला डाल के इसे फिर से चला लेंगे। दोस्तों, अभी जो पेस्ट तैयार करके रखे थे ना, वो वाला पेस्ट मैं इस पे डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी मैं इस पे डाल दूँगी, क्योंकि मसाला वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पानी डाल के ये पेस्ट डाल दिया। दोस्तों, इससे मैं इतना अच्छा सा एक खुशबू आ रहा है, अगर काश अगर मैं आप सबको ये भेज पाती तो कितना अच्छा होता। मसाले के साथ भिंडी को अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे ढक्कन डाल के छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर ये पकेगा। ये मैं इस पर नमक डाल रही हूँ, इसे ढक्कन डाल के छोड़ दूँगी मैं 2-3 मिनट के लिए, छोड़ दूँगी इसे ढक्कन डाल के। दोस्तों, 3-4 मिनट हो चुका है, मैं इसका ढक्कन उठा देती हूँ। ये देखिए, ये एकदम ग्रेवी जो है पक गया है,
भिंडी पूरा पक गया है और ये ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। आप अगर राइस के साथ इसे परोसना चाहते हैं तो थोड़ा सा पतला रख सकते हैं, और नहीं तो रोटी के साथ तो आप सूखा रख सकते हैं। लास्ट पे मैं ये डाल रही हूँ एक इमली का पानी है। आपके घर पे अगर इमली का पानी अवेलेबल ना हो तो आमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। ये इमली का पानी मैंने डाल दिया और इसे चला लिया। बस तैयार हो गया हमारी भिंडी की सब्जी। दोस्तों, आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर नए हो तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए।